सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज सेलेश करात एंड वेलकम बैक। सो गाइस, आज के वीडियो तो बात करने वाले हैं विंडोज 365 के बारे में। क्या है विंडोज 365 आप कैसे यूज़ कर सकते हो और ये कब लॉन्च होगा और क्या क्या इसके फ़ायदे रहेंगे, क्या क्या इसका नुकसान रहेगा, वो सब जो तो आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो जो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो बनाए होगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर से दबा दो, क्योंकि नए फ्यूचर में ऐसे वीडियो आते रहेंगे जल्दी से जल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आप देख सकते हो अभी रिसेंटली विंडोज़ का बहुत बड़ा एक अपडेट जो है तो उन्होंने बोला है, बताया है विंडोज़ 11 जो हमने वीडियोस के ऊपर जो है तो दो तीन वीडियो बनाए, उसका इंस्टॉलेशन अपडेट वो सब का वीडियो जो हमने बताया। मगर अभी तक विंडोज़ 11 ऑफिशियली सभी लोगों के लिए रिलीज़ नहीं हुआ है, तो उसका इंतज़ार जो तो हम कर रहे हैं, वो आने के बाद वो भी हम जो तो आपको बता देंगे। मगर अभी माइक्रोसॉफ्ट वालों ने विंडोज़ 365 का भी एक अनाउंसमेंट किया है। उसी के साथ साथ अभी विंडोज़ 365 जो तो एक क्लाउड कंप्यूटिंग जो आपका पर्सनल कंप्यूटर रहता है वो जो तो उस तरह काम करने वाला है, और कैसे काम करने वाला है, आप कैसे यूज़ कर सकते हो वो सब जो तो जानेंगे। तो विंडोज़ 365 जो है तो एक क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये आपका पर्सनल कंप्यूटर रहने वाला है। जैसे एक सर्वर की तरह आपका जो है तो विंडोज़ 11 को जो है तो आप विंडोज़ 11 को बोल सकते हो, नहीं तो कोई भी विंडोज़ का वर्जन उसको जो है तो यूज़ कर सकते हो ऑन योर एंड्रॉयड फ़ोन, ऑन योर iOS फ़ोन और एनी अनदर डिवाइसेस। ये जो है तो एक क्लाउड कंप्यूटिंग रहने वाला है कि आपका कंप्यूटर बाहर दूसरे जगह पे दूसरी कंट्री में एक सर्वर के ऊपर जो तो रन होता हो रहेगा, और आप जो तो उसको एक्सेस कर पाओगे आपके एंड्रॉयड फ़ोन से, नहीं तो आपके कोई भी सिंपल लैपटॉप से। इसका फ़ायदा जो है तो रहने वाला है कि आपका कंप्यूटर लो रहेगा, उसमें रैम कम रहेगी, उसका प्रोसेसर कम रहेगा, फिर भी आप उसमें जो है तो विंडोज़ का हाई वर्जन जो अभी विंडोज़ 11 रिलीज हुआ है उसको यूज़ कर पाओगे। हम जो है तो हमारा कंप्यूटर रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं दूसरे कंप्यूटर से, दूसरे डिवाइस से। तो ऐसे ही ये जो तो एक काम करने वाला है, इसका एक क्राइटेरिया ऐसे ही रहने वाला है कि आपका कंप्यूटर अभी दूसरे क्लाउड पे सर्वर पे जो है तो रन होता रहेगा, और आप आपके डिवाइस से जो है तो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आप जो है तो आपके लो एंड PC, लो एंड कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, इसमें भी जो है तो हाई वर्जन OS जो है तो यूज़ कर सकोगे जो विंडोज़ का रहेगा। तो सेकंड फ़ायदा इसका आता है, आपको आपका लैपटॉप PC कुछ भी आपको साथ में लेके अभी घूमना नहीं पड़ेगा। अभी कैसे रहता है कि आपका लैपटॉप है, लैपटॉप साथ में लेके जा सकते हो, मगर आपका PC रहेगा आपके पास तो PC को जो है तो आप कभी भी किधर भी साथ में नहीं ले जा सकते। तो ये जो है तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप अभी किधर भी जाओ, एक बीच पे जाओ, घूमने जाओ, किधर भी जाओ, आप वहाँ पे अपना बस डिवाइस ओपन करो, आपका मोबाइल फ़ोन ओपन करो, आपका आपको एक लॉगिन ID और पासवर्ड मिलेगा, वहाँ से आप वो बस टाइप कर सकते हो, टाइप करने के बाद जो है तो आपका कंप्यूटर वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। ये जो है तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो है तो इसका रहने वाला है। और ये अगस्त के दो तारीख को जो है तो उन्होंने बोला है, उनके चैनल के जो भी उसका वेबसाइट है वहाँ पे उन्होंने ब्लॉग अभी अपलोड किया है कि 2 तारीख को जो है तो ये उसका रिलीज़ करेंगे, उसके बारे में सब पूरा इंफॉर्मेशन देंगे, नए नए अपडेट्स बताएंगे। तो यही है विंडोज़ 365। और कैसे लगा आपको, और आपको विंडोज़ 11 का वीडियो आपने नहीं देखा वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आपने अब तक विंडोज़ 11 को इंस्टॉल नहीं किया है, जो लीक वाला वर्जन है तो वो आपको करके देखना है, तो वो आप वीडियो देख सकते हो। अभी तक विंडोज़ 11 ऑफिशियली उसका सबके लिए आया नहीं है वर्जन, वो आएगा तो उसके बारे में जरूर से जल्दी जल्दी वीडियो बनाएंगे। तो आज का वीडियो कैसे लगे वो मुझे कमेंट में जरूर से बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर से दबा दो, क्योंकि नए लेटेस्ट ऐसे वीडियोस हम लाते रहते हैं हमारे चैनल पे, तो वो सबसे पहले आपको मिल जाए। और आपको एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स में इंटरेस्ट रहेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर वीडियो जो तुम हमारे चैनल पर डेली अपलोड करते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।